हे ब्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ए ब्यूटीफुल सा सरस्वती पूजा मेकअप लुक, और इस लुक को आप अपने अकॉर्डिंग कहीं भी कर सकते हो। और मैंने यहाँ पे पहना हुआ है ब्लैक कलर का ब्लाउज एंड ए ब्यूटीफुल सी शायद हैंडलूम टाइप की साड़ी है ये साड़ी। और इस मेकअप को आप किसी भी ब्लैक ड्रेस के साथ या फिर ग्रे ड्रेस के साथ भी क्रिएट कर सकते हो। और मैंने ना जिस तरीके से अपने माइंड में सोच के रखा था ये मेकअप ना, उससे भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था सच में। और अगर आप लोग जानना चाहते हो कि मैंने इस लुक को कैसे क्रिएट किया है, तो आप लोग वीडियो के बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। मैंने स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बताया हुआ है। अगर आप लोगों को मेकअप ज़्यादा नहीं भी आता है, तब भी आप लोग इस वीडियो को देख के मेकअप कर सकते हो। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड खूब सारा शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पास में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। तो फिर चलो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। कम ऑन, लेट गेट स्टार्टेड। यहाँ पे मैंने ब्लाउज एंड साड़ी पहन के रखी है, जो कि इस टाइप की साड़ी है। और मैंने यहाँ पे अपना फेस वॉश कर लिया है। सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे टोनर। तो टोनर के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक गुड वाइब्स का तुलसी एंड नीम एंड तुलसी टोनर, और ये बहुत अच्छा टोनर है। और टोनर अप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है। टोनर हमारे फेस की पीएच बैलेंस को मेंटेन रखता है, हमें नरिशिंग प्रोवाइड करता है। उसके बाद हम अप्लाई करेंगे मॉइस्चराइजर क्रीम। तो उसके लिए मैं ले रही हूँ ए पॉन्ड्स की मॉइस्चराइजर क्रीम। आप अपने पसंद की कोई भी मॉइस्चराइजर क्रीम ले सकते हो, आपको जो सूट करती हो। और बस मॉइस्चराइजर क्रीम को मैं अपने पूरे फेस में अच्छे से अप्लाई कर लेंगे, और नेक एरिया नहीं भूलेंगे, नेक में भी अप्लाई कर लेंगे। नेक्स्ट हम अपने लिप्स को मॉइस्चराइज कर लेंगे। तो उसके लिए मैं ले रही हूँ ए बादी हर्बल का लिप बाम, जो कि बहुत अच्छा है। उसके बाद हम अप्लाई करेंगे फेस सीरम। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक गुड वाइब्स का रोजे सीरम। और आपको जो सीरम पसंद हो, मैं हर वीडियो में बस यही कहती हूँ कि आपको जो सूट करता हो आप वही अप्लाई करिएगा। और बस मैं इस सीरम के कुछ ड्रॉप्स लेके अपने पूरे फेस में अप्लाई कर लेंगे। अगर आपके पास कोई सीरम नहीं है ना, तो आप कोई फेस ऑयल भी अप्लाई कर सकते हो। और बस अपना नेक एरिया भी नहीं भूलना है। उसके बाद हम अप्लाई करेंगे प्राइमर। तो प्राइमर के लिए मैं यहाँ पे इनसाइट का पोर मिनिमाइजर प्राइमर ले रही हूँ, और एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइमर है, अंडर 100 रुपीज़। और इसको एकदम थोड़ा, प्राइमर ना हम लोगों को एकदम थोड़ा सा ही अप्लाई करना होता है, और बस थोड़ा सा लेके अपने पूरे टी जोन एरिया में एंड पूरे फेस में अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। और इन सबको अप्लाई करने के बाद थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि हमारी स्किन में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए, जब तक हम अपने आईब्रो को फिल कर लेंगे। तो आईब्रो को फिल करने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ एसुस ब्यूटी की आईब्रो पैलेट, और इससे मैं अपने आईब्रो को फिल कर लूँगी एकदम हल्का हल्का। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ले रही हूँ इनसाइड का कंसीलर पैलेट। आज सबसे पहले हम अपना आई मेकअप करने वाले हैं, और इस पैलेट में ना आप लोगों को बहुत सारे कलर मिल जाते हैं। तो जो मेरे शेड से मैचिंग है, मैं उस कलर को लेके सबसे पहले अपने आईलिड में इस तरीके से अप्लाई कर लूँगी, जिससे कि हमारे आईलिड में जो डार्कनेस है वो कैंसिल आउट हो जाए, और हम जो आई शैडो अप्लाई करें वो अच्छे से उभर के आए। तो इस तरीके से मैं अपने आईलिड में कंसीलर को अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर लिया हुआ है, उसकी हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। नेक्स्ट हमें चाहिए एक ब्लैक काजल। आपके पास कोई भी काजल हो आप उसे ले सकते हो, अगर जेल आईलाइनर वगैरह हो तो आप उसे भी ले सकते हो। तो बस हमें अपने आईलिड में थिक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करनी है, उसके बाद इसे अच्छे से ब्लेंड करना है, स्मच करना है, और इतना ध्यान रखना है कि क्रीज लाइन से ऊपर नहीं जाना है। और बस ब्लेंड 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 अच्छे से ब्लेंड करते जाएंगे हम। इसी तरीके से हम अपनी दूसरी आईज में भी एक थिक लाइन ड्रॉ करेंगे और ब्लेंड 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 करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे मैं ले रही हूँ ANYB का आई शेडो पैलेट। आपके पास कोई भी ब्लैक कलर का आई शेडो हो वो ले सकते हो, और अपने ब्रश में लेके मैंने जो काजल को स्मच किया था ना, उसके ऊपर इस तरीके से ब्लेंड करेंगे। और ब्लेंडिंग अच्छे से करनी है। देखो, फेस मेकअप हो या फिर आई मेकअप हो, ब्लेंडिंग में पूरा पूरा ध्यान देना होता है। अगर हम लोग ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं करेंगे ना, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो आप लोग देख सकते हो मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं मार्स के आई शेडो पैलेट में से ब्राउन कलर ले रही हूँ, और इसको मैं अप्लाई करूँगी अपनी क्रीज लाइन में, जो हमारी क्रीज लाइन होती है ना वहाँ पे। और जब तक हम ब्लेंड करेंगे, जब तक कि हमारा जो ब्लैक कलर है और जो ब्राउन है दोनों अच्छे से मर्ज ना हो जाए, जब तक हम ब्लेंड करते जाएंगे। ब्लेंडिंग में आप लोगों को प्रॉपर ध्यान देना है। अगर आप लोग ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं करोगे ना, तो आपका आई मेकअप अच्छा नहीं लगेगा। तो आप लोग देख सकते हो मैं कितने टाइम तक ब्लेंड कर रही थी, उतना टाइम तो नहीं दिखा सकती आप लोगों को, वीडियो लंबा हो जाता है। और नेक्स्ट मैं ब्लैक कलर के आई शेडो को लेके अपने लोअर लैश लाइन में इस तरीके से स्मच कर रही हूँ। नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे काजल। काजल के लिए फिर से मैं वही काजल ले रही हूँ ANYB का, और इसको मैं अपने वाटर लाइन में अप्लाई कर लूँगी।
नेक्स्ट मैं अप्लाई करूंगी मस्कारा, तो मस्कारा के लिए मैं यहाँ पे मेबलिन का मस्कारा ले रही हूँ और इसको मैं अपने इससे मैं अपने लोअर लेस को एंड अपर लेस को कोट कर लूंगी अच्छे से। उसके बाद मैं यहाँ पे आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ नॉर्मल सा एकदम पतला सा, और अगर आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, आईलाइनर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं एकदम पतला सा यहाँ पे आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पे ऑफ कैमरा मैंने फोर्सेस अप्लाई कर ली है। अब हम करेंगे अपना फेस मेकअप, तो मैंने उसी पैलेट में से ऑरेंज कलर करेक्टर लिया हुआ है और इसको अपने अंडर आई में हल्का हल्का अप्लाई करूँगी। और मैं ऑरेंज कलर करेक्टर ज़्यादा यूज नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे फेस में कोई मतलब दाग धब्बे नहीं है, लेकिन जब मैं डार्क आई करती हूँ ना तब ऑरेंज कलर करेक्टर का जरूर यूज करती हूँ। और आप लोग भी जब कभी भी डार्क आई या फिर अपना आई मेकअप थोड़ा बोल्ड कर रहे हो ना तो ऑरेंज कलर करेक्टर का भी इस्तेमाल करिएगा। आप लोग देखना अगर हम लोग डार्क आई करते हैं ना तो फिर हमारे अंडर आई में ना और डार्कनेस दिखती है। मेरे साथ तो ऐसा होता है, आप लोगों के साथ होता है कि नहीं मुझे नहीं पता, इसलिए मैं ये ऑरेंज कलर करेक्टर को अपने अंडर आई के नीचे अप्लाई करूँगी और यहाँ पे माउथ के अराउंड थोड़ा बहुत अप्लाई कर लूँगी। नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे फाउंडेशन, तो फाउंडेशन के लिए मैं यहाँ पे इनसाइड का फाउंडेशन ले रही हूँ और यहाँ पे मैं पूरी भूत लग रही हूँ है ना। और ये फाउंडेशन ओ माय गॉड, ये मेरा फेवरेट फाउंडेशन हो चुका है, बहुत अच्छा फाउंडेशन है। और इसको हम कुछ ड्रॉप्स लेके अपने फेस में इस तरीके से अप्लाई करेंगे और ये ना बहुत लिक्विडी है, आप लोग देख सकते हो, और आपके फिंगर्स इस तरीके से अपने पूरे फेस में फैला लेंगे और ये ना बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाता है। ब्लेंड होने के बाद ऐसा लगता ही नहीं है कि मतलब कि हमने फाउंडेशन लगाया हुआ है, इतना लिक्विड ही है, बहुत अच्छा फाउंडेशन है और मतलब मुझे तो बहुत पसंद है, क्या बोलूँ आप लोगों को। और उसके बाद मैंने यहाँ पे डैम ब्यूटी ब्लेंडर लिया हुआ है, इसकी हेल्प से मैं अपने पूरे फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। आप लोग देख रहे हो ना जैसे मैं फाउंडेशन को ब्लेंड कर रही हूँ हमारी स्किन में अच्छे से पूरा बैठ रहा है। और कोई कोई फाउंडेशन होता है ना लगा लो ऐसा लगता है कि हमने कोई फेस में थोप लिया, लेकिन ये अगर ये फाउंडेशन आप लोग अपने स्किन टोन का मैचिंग का लगा लो ना, या कोई कहेगा कि नहीं कि आप लोगों ने मतलब मेकअप थोप के रखा है, बहुत अच्छी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा फाउंडेशन है। तो मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से अपने फाउंडेशन को ब्लेंड कर लिया है। ब्लेंडिंग आप लोगों को अच्छे से करनी है, मैं बार बार यही कहती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ कंसीलर, तो कंसीलर के लिए मैंने यहाँ पे वही स्विच ब्यूटी का कंसीलर लिया हुआ है और अपने अंडर आई में इस तरीके से अप्लाई करेंगे। और जब हम लोग कलर करेक्टर यूज करते हैं ना तो वहाँ वहाँ पे हमें कंसीलर ज़रूर अप्लाई करना होता है। नेक्स्ट फिर से मैं वही ब्यूटी ब्लेंडर ले रही हूँ और उसकी हेल्प से मैं अपने कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे मेबलिन का कॉम्पैक्ट पाउडर लिया हुआ है, उसकी हेल्प से मैं अपने बेस को सेट कर रही हूँ। सबसे पहले अंडर आई को सेट कर रही हूँ, नहीं तो क्या होता है अगर हम लोग अंडर आई को छोड़ देते हैं ना ऐसे कंसीलर अप्लाई करने के बाद तो क्रीज हो जाती है, इसलिए अपने अंडर आई को कभी मत भूलना। अगर आप नेक्स्ट मैं अपने फेस को कॉन्टोर करूँगी तो मैं मास्क का पैलेट लेके और ये ब्राउन शेड लेके अपने फेस को कॉन्टोर कर लूँगी। और कॉन्टोरिंग करना भी बहुत ज़रूरी है, मतलब मेकअप के सारे स्टेप करना ही ज़रूरी होता है, अगर आप लोग कुछ स्टेप नहीं करोगे ना तो फिर मेकअप उतना अच्छा नहीं लगता है। और देखो तो सब ज़रूरी है, और कहते हैं ना मानो तो सब, क्या भूल गई मैं, मानो तो सब ज़रूरी है ना मानो तो फिर कुछ ज़रूरी नहीं है। तो उसके बाद मैं अपनी नोज को भी कॉन्ट्रोल कर लूँगी जिससे कि हमारी नोज थोड़ी शार्प दिखे। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ यहाँ पे स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर एंड ब्लश पैलेट, और इस पैलेट में इसमें एक कोरल शेड है ना, इसको लेके ब्लश अप्लाई करूँगी और एकदम हल्का सा स्माइल करूँगी और ब्लश अप्लाई करूँगी। और मुझे पता नहीं आजकल ये ब्लश बहुत पसंद आ रहा है, मतलब ब्लश हाइलाइटर बहुत अच्छा लगता है, और बस मुस्कुराते हुए ब्लश अप्लाई कर लेना है। नेक्स्ट उसी पैलेट में से मैं हाइलाइटर को लेके अपने फेस में हाइलाइटर अप्लाई कर लूँगी, मतलब हाइस्ट पॉइंट को हाइलाइट करूँगी जैसे कि चीक बोन्स, ब्राउ बोन, ब्रिज ऑफ द नोज, क्यूटिप बो, मतलब जहाँ जहाँ हम लोग हाइलाइटर अप्लाई करते हैं वहाँ वहाँ पर हाइलाइटर अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट मैं लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ, लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पे एन बाई वी की लिपस्टिक ली हुई है और ये बहुत अच्छी लिपस्टिक, बहुत पिगमेंटेड है और इसका जो शेड है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी या फिर इसका लिंक दे दूंगी तो आप लोग देख लेना जाके, और आप अपने पसंद की लिपस्टिक लगा सकते हो। लेकिन इस लुक में आप, मैं बोलूँगी आप लोग न्यूड लिपस्टिक ही रखिएगा इस आई मेकअप में, अगर हम लोग डार्क लिपस्टिक रखेंगे ना तो उतना अच्छा नहीं लगेगा। और उसके बाद बस क्या करना है, सेटिंग स्प्रे लेना है, अपने मेकअप को सेट कर लेना है जिससे कि हमारा मेकअप लॉन्ग लास्ट रहे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का सेटिंग स्प्रे यूज किया हुआ है
और डेम्यूटिबलेटर लेके बस इसे डैप डैप कर देंगे और आई एम रेडी। चलो देख लो फाइनल लुक।